हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के नए से वीडियो में। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है, लौड़े फोड़े ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये देख सकते हो गोबर का केक, मेरे साथ है महबूब और देख सकते हो आज हमारे अलग से पहाड़ में। तो आज का पूरा वीडियो जो है आपको दिखाएंगे, वो भी लौड़ा रसूल फेंक के वीडियो आपके साथ में। ये देख सकते हो गोबर है और चलो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको एक नए से ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम कहाँ पे जाने वाले बताए? आज जाने वाला है पगलाहट, जो हमारे यहाँ से बांसबड़ी के पीछे से होके जाता है पगलाहट। तो मैं हूँ और मेरे साथ है महबूब। तो आज हम जाने वाले हैं पगलाहट की तरफ। तो पगलाहट का गांव का इलाका कुछ कैसा है हम आपको पूरा देंगे, ठीक है? तो ब्लॉग में अंत तक बने रहो और हमारे साथ तो देखिए, ठीक है? अभी हम यहाँ पे है रूपसी के बांसबड़ी के यहाँ पे है, तो यहीं से जाएंगे, ठीक है? तो लेट चलो हमारे साथ। आखिर क्यों पगलाहट को पगलाहट बोला जाता है? इसमें क्या ऐसा पगला है जो हाट? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह पगला है इसीलिए हाट है, मतलब वो पागलों का हाट नहीं है। मैं आपको सीधी बातों में बताऊं तो मतलब उस जगह का नाम, शायद दो तीन लोग यहाँ पर पगला थे इसीलिए उसका नाम पगलाहट रख दिया। तो ज़्यादातर नामकरण कुछ ऐसे होता है कुछ जगह का नाम, ठीक है ना? तो यही हो सकता है। तो गाइस, मैं भी एक ब्लॉगर, ये भी एक ब्लॉगर, ठीक है? तो हम दोनों मिलकर जाना है पगलाहट की तरफ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं पगलाहट। तो गाइस, जैसे कि ये जंगल देख सकते हो बहुत ही क्यूट है ना। मैंने ऑलरेडी यहाँ का बहुत सारा वीडियो किया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा जो है पिकनिक, यहाँ पे पिकनिक प्लेस बनाया है। यहाँ पे मतलब स्टूडेंट लोगों का पिकनिक प्लेस यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है? तो यहाँ से मतलब बहुत लोग आ सकते हैं पिकनिक के लिए, मतलब पिकनिक के लिए भी बहुत ही औसम जगह है। मतलब बहुत सारा यहाँ पे पिकनिक का प्लेस बना के दिया है, ठीक है? तो गाइस, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे जो आप मतलब पेड़ देख सकते हो ना चारों तरफ के, यहाँ का जो पेड़ देख सकते हो, यहाँ का जो इस साइड का पेड़ है, इस साइड का पेड़ है, तो मतलब यहाँ का हर एक पेड़ जो है ना बहुत ही महंगा है, ठीक है? एक पेड़ की कीमत कम से कम 30-40 हज़ार का ऊपर से ज्यादा है। मतलब आपको पता है ना, साल का जो कार्ड होता है बहुत महंगा होता है, ठीक है? तो यहाँ का जो साल का पेड़ है, ठीक है, इसको मतलब चारों तरफ ये फॉरेस्टर के अंदर है, ठीक है? ये रूपसी के फॉरेस्टर के अंदर है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ना कोई मतलब पेड़ चोरी करना इलीगल है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कर सकते चोरी वोरी, ठीक है? और हर एक पेड़ का कीमत बहुत ज़्यादा है। इसमें से कुछ लोग चुरा के ले जाते हैं, लेकिन जो मगर उनको पकड़े गए ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके नाम पे केस होता है, बहुत कुछ, ठीक है? आजकल क्या हुआ है हमारे यहाँ पे, पता है? जो हमारे यहाँ पे धूमी नीचे की मैं ज़्यादा 370 के ऊपर से ज़्यादा केस है, मतलब चाइल्ड मैरिज का जो केस है बहुत ज़्यादा है। मतलब हर जगह पर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब 2020 से मतलब जितने इसके ऊपर जितने भी चाल मैरिज का केस रजिस्टर हुआ, तो मतलब पुलिस चारों तरफ घूम रही है सबका मतलब पता लगाने के लिए। तो सबको जो है मतलब उनके चाल मैरिज के तहत मतलब उनको जेल होगा, ठीक है? जेल होगा। तो जैसे कि गाइस, मैं पहले एक बार आया था यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ तक आया था, तो इससे आगे नहीं गया था। तो इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? आपको मैं पगलाहट लेके चलता हूँ। हे गाइस, हम अभी जा रहे हैं पगलाहट की तरफ। तो ये जो रोड है सीधा जाता है पगलाहट, ठीक है? तो पगलाहट, आई एम कमिंग। मतलब मेरे जो पीछे है गाइस, ये जो है मतलब पगलाहट का जो बाजार है यहाँ पे ना, ठीक है? यो ये चारों आप देख लो, तो ये पगलाहट का बाजार है गाइस, ठीक है? आप लोगों ने एक सॉन्ग तो सुना होगा ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मतलब उस सॉन्ग का डायरेक्ट एकदम मीनिंग है कि मतलब जो हमारा देश है ना, इंडिया, असम, जहाँ भी बोलो, मतलब हमारे देश में क्या होता है, यहाँ पे सोना तो नहीं उगलता, लेकिन मतलब जो ये धान उगता है ना, यही सोना है गाइस। आज मुझे पता चला, मतलब जो हमारा सोना उगले मतलब है ना, तो हमारा जो सोना उगता है वो धान है गाइस। ऊपर का व्यू और पगलाहट का व्यू देख सकते हो गाइस, सुबह में। तो गाइस, जैसा कि हमें यहाँ पे है पगलाहट अलगजर में, तो यहाँ पे धान की खेती देख सकते हो, पॉपकॉर्न की खेती यहाँ पे है। तो अभी हम यहाँ पे ना यहाँ पे आए, तो वो जो आप देख सकते हो पहाड़ है ना पीछे, वो पहाड़ में, तो उस पहाड़ में जाएंगे, ठीक है? तो गाइस, वहाँ पे चलो। सो गाइस, यहाँ पे मैं लटका हुआ नहीं हूँ, आप समझ रहे हो मैं लटका हुआ हूँ नहीं, मैं वहाँ पे पहाड़ में जाके लटकूंगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है? सो गाइस, हमको जाना है उस पहाड़ी में, वहाँ पे एक पहाड़ी है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या खास है, ठीक है? मैं आपको आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो आलोकगंज का पहाड़ है इसमें क्या खास है, ठीक है? मैं कुछ शायद बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो मैं आपको वो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, ठीक है? आओ मेरे दोस्तों, चलो। तो इधर से जाता है गाइस। हे मैया, ये रास्ता किधर जाता रे? ये तो नीचे से जाके मतलब वो जो है यहाँ पे एक साइड में नदी है, उसके बाद का जो है इधर से जाएंगे। तो भैया से तो गाड़ी को इधर से उतार ले, क्योंकि डबल नहीं जा पाएंगे, ठीक है? आप लोग बने रहो, मिशन सक्सेसफुल।
भाई जैसा कि हम यहाँ पे आ गए, आ तो लेकिन गए, लेकिन ये हमें ये नदी पार कैसे करें भैया? यहाँ पे मतलब पानी कुछ ज़्यादा है, ये मतलब ये गर्दन तक पानी है, मतलब इतने पानी से पार होगा कैसे जाए? तो मतलब पहाड़ है, पहाड़ में आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाए गाइस? तो आप देख सकते हो ये जो आलोक झोर का पहाड़ है, हमें आपको दिखाने वाला था लेकिन पहाड़ में, तो जाए कैसे भैया? हमें नहीं पता था यहाँ पे नदी है ना यार, नदी को पार कैसे किए? तो देखते हैं कहीं पर रास्ता मिलता है तो चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि मैं पहाड़ के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, तो क्या है ना यहाँ पे जो नदी है, मतलब नदी कैसे पार करेगा? नदी अगर पार हो जाए तो मैं आपको दिखा पाता। तो जैसे कि वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही पुराना ओल्ड एक मंदिर है, उसमें एक ही पुजारी जो है रहता है, तो मैं आपको वो रहस्यमय मंदिर जो है आपको दिखाने के लिए लाया था। लेकिन तो मतलब मैं ऐसे क्या जाऊँ कैसे? जब वो किस्मत ही खराब तो मतलब क्या कर सकते? तो मतलब उस साइड में रास्ता था, हमको नहीं पता था, इस साइड में आए थे, तो यहाँ पे जो नदी पार होने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना? तो अरे बाप रे बाप, बहुत ही डेंजर है रे बाबा, गिरेगा तो गया मोबाइल मोबाइल सब। ये बाप रे बाप, बहुत ही डेंजर है रे बाबा, इधर से गया ना मोबाइल तो सत्यानाश हो जाएगा रे बाबा। सुनो रे, तू जा, तू चल रे भाई, तू चल, तू मत छूट कर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आलोकझर का जो पहाड़ है, मैं उधर आपको लेके आ गया। सो ये जो मेरे सामने पहाड़ है, मेरे पीछे है महबूब, जो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, हम दोनों मिलके जो ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है? तो ये गाइस, ये है आलोकझर का पहाड़, तो आप लोग चलिए हमारे साथ करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब शाम हो गया, हम मतलब उस रास्ते से आए थे, तो वहाँ पे रास्ता था ना, वो हमको नहीं पता था कि वो लॉन्ग रास्ता है, तो वहाँ पे रास्ता नहीं है पार होने का, तो इस साइड में एक रास्ता था, मैंने आपको बताया बांस के ऊपर से जाने जाते थे, तो ये है आ गया रास्ते में, ठीक है? तो अभी जैसा कि आपको पता है शाम होने वाला है, अभी पता चल रहा है 4:40, मतलब थोड़ी देर में 20 मिनट में अंधेरा होने वाला है, ठीक है? तो लास्ट यहाँ का शूट होगा, जो हम दो एक चीज है आपको यहाँ पे दिखा के जाएंगे, ठीक है? तो गाइस ये नदी नहीं है, यहाँ पे नदी नहीं है, ये जो है यहाँ पे मतलब खोदा है, इसको शायद यहाँ पे क्या होगा, इसको शायद मछली छोड़ने के लिए ऐसा गड्ढा जैसा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आप व्यू देख सकते हो, ये आलोकझर का पहाड़। सो गाइस आज के वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जगह पे, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। लो गाइस आज का लौड़ा फौड़ा ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म, महबूब और मैं बोलते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जगह में, तब तक के लिए गोबर खाकर सो जाओ। नाइस।